हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको एक ये सिंपल सी जूती बताने वाली हूँ। लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए, सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी रहेगी और ये बनाने में भी बहुत इजी है। जिसको सीधी उल्टी बिनाई आती है वो भी इसको बहुत आसानी से बना लेंगी। पूरा पैटर्न एक तरफ से बना है, बस इसमें थोड़ी सी ये सिलाई हुई है यहाँ से यहाँ, ऐसे यहाँ से। और ये देखिए, इस तरीके से ये आपके पैर में परफेक्ट फिट हो जाएगी। तो मैंने ये दो कलर लिया है, बेबी वूल है मेरा। ये क्रोशिया से मैंने एक छोटा सा फ्लावर बनाया है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी चीज बना के लगा सकती हैं, और अगर आपको बनाने नहीं आता है तो आप यहाँ पे बटन भी लगा सकती हैं। तो ये देखिए, मैंने ये डार्क ग्रीन एंड बटर येलो, ये मेरा है थोड़ा सा क्रीम शेड जो होता है, उस कलर का ऊन लिया है, बेबी वूल है मेरा। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल सीधी पट्टी की तरह बनेगा, इसमें ज्यादा कहीं कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। और इसको बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है, और आप चाहें तो अपने हाथ के हिसाब से कोई भी सिलाई यूज कर सकती हैं। मैं यूज कर रही हूं, ये देखिए, ये आती है दोनों साइड पॉइंटेड वाली सिलाई, जो कि गले के लिए यूज होती है। गले के फंदे जब हम बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, तो ऐसी सिलाई यूज होती है। तो मैं इसी से बना रही हूँ, क्योंकि इसमें फंदे ज्यादा नहीं है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे दो कलर के ऊन, तो डार्क कलर से मुझे इसको बनाना है। तो मैं स्टार्ट करूंगी, बहुत थोड़ा सा ऊन लेना है इसमें स्टार्टिंग में। ये देखिए, फंदे डालने के लिए मैंने ज्यादा नहीं लिया है। मैं इसमें डालूंगी टोटल 22 फंदे। आप और ज्यादा रख सकती हैं सिलाई के लिए, लेकिन बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिलाई हमको एक तरफ से करना है। तो ये देखिए, इस तरह से 22 फंदे डालेंगे, यानी कि 22 फंदे। तो इस तरह से, ऐसे इस तरह से अगर आपको फंदे डालने नहीं आते हैं, तो आपको जैसे फंदा डालना इजी लगे, आप उस तरीके से 22 फंदे डाल सकती हैं। 22 स्टिचेस आप इसमें डाल सकती हैं। तो ये देखिए, इस तरह से फंदे हम डाल लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने टोटल 22 फंदे डाल लिए हैं। आप अगर देखिए तो ये देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ये 22। अब इसकी जो हम बिनाई करेंगे, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बिनेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग में पहला फंदा बिनेंगे, सबसे पहली सिलाई जब हम बिनते हैं, तो इस तरह से देखिए, उल्टा उल्टा इसको हम बिन लेंगे। फंदे मैंने बहुत टाइट नहीं डाले हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका हाथ टाइट है, तो आप एक नंबर ज्यादा सिलाई, यानी कि अगर आप 10 नंबर से बिन रही हैं, तो फंदे जो हैं वो आप 9 नंबर पे डालिए या ढीले ढीले डालिए। तो इस तरह से देखिए, फर्स्ट रो, और ये जो जूती है ये मैंने बनाई है 4 और 5 नंबर के लिए। आप इसको इसी तरीके से बना सकती हैं। अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना हो तो बस आप एक दो सिलाई एक्स्ट्रा बनाइए। अब देखिए, ये लास्ट सिलाई है, लास्ट फंदा है, तो ऊन पीछे करके इसको हम सीधा बिनेंगे। रॉन्ग साइड से हमने ये बिनना स्टार्ट किया है। अब इधर से अब हम पहला फंदा उतार लेंगे और पूरा उल्टा उल्टा बिनते जाएंगे। तो ये जो हमने दो सिलाई बनाई है, तो ये एक लाइनिंग आएगी, ये उल्टी उल्टी लाइनिंग जो दिखती है। तो इस तरीके से हम टोटल 26 लाइनिंग बनाएंगे, यानी कि 52 रो। ये देखिए, दो सिलाई बिनने पे ये एक लाइन बन गई। टोटल 52 सिलाई बिनेंगे तो हमारी 26 लाइन बनेगी। अब ये देखिए, लास्ट फंदा ऐसे सीधा। इसी तरीके से दोनों तरफ से बिनते हुए हम, ये देखिए, ये मैंने सिलाई की है यहां से ऐसे बिनते हुए, ये पूरी मैंने, ये 26 लाइन हमारी है, ये जो ये दिख रहा है, ये टोटल 26 लाइन पहले मैंने बनाया है, फिर ये दूसरा कलर चेंज किया है। तो पहले मैं ये 26 लाइन यहां से यहां तक बना लेती हूँ, फिर ये कलर चेंज करके हम आगे बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने टोटल 26 रो, यानी कि 26 लाइन बना ली है। यहां से आप देखिए तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24 और 26। रॉन्ग साइड से हमने बिनना स्टार्ट किया था, रॉन्ग साइड से ही हम अब इसमें अपना ये जो दूसरा कलर है वो लगाएंगे। तो ये देखिए, लास्ट वाला फंदा मैंने नहीं बिना है, ऊन मैंने पीछे करके बस लास्ट फंदा उतार लिया है। यहां से मैं लगाऊंगी ये अपना क्रीम कलर, और अब यहां से हम बिनना स्टार्ट करेंगे इससे। ये कलर नीचे कर दीजिए और यहां से इससे हम बिनना स्टार्ट करेंगे। इस ऊन को आप इसमें फंसाती जाइए। यहां से हमने बिनना स्टार्ट किया था, देखिए ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से ही मैंने ये ऊन दूसरा लगाया है, तो इसको हम इस तरह से फंसा भी देंगे साथ के साथ। और पूरी सिलाई उल्टा उल्टा हम बिन लेंगे। लास्ट वाला फंदा सीधा, सॉरी लास्ट वाला फंदा भी यहां हम उल्टा ही बिनेंगे, क्योंकि यहां से अब हमको सीधा सीधा बिनना है। अब ये फंदा उतार के ये हम सीधा बिनेंगे, जितने भी हमारे फंदे हैं सबको हम इस तरीके से सीधा बिनेंगे और ये बिनेंगे। ये देखिए दूसरी सिलाई है, चार सिलाई बीच में इस तरीके से। दूसरी सिलाई, फिर उल्टी सिलाई हम उल्टा उल्टा बिनेंगे, फिर सीधी सिलाई सीधा सीधा। ये देखिए इस तरीके से, फिर ये उल्टी सिलाई, और ये चौथी सिलाई सीधी। लास्ट वाला फंदा ऐसे उतार के छोड़ देंगे, फिर इधर से जब हम सिलाई पलट लेंगे तो ये लास्ट वाले फंदे से हम बिनना स्टार्ट करेंगे ये कलर लगा के। पूरा उल्टा उल्टा बिनेंगे, यहां पे लास्ट फंदा हम सीधा बिनेंगे और इसको हम इस साइड से उल्टा उल्टा बिनेंगे। ये देखिए चार सिलाई इस तरीके से आएगी और इसके बाद पहला फंदा उतार के इसको हम उल्टा उल्टा बिनेंगे। लास्ट फंदा सीधा, फिर से सिलाई पलट लेंगे और ये सिलाई फिर से हम उल्टा उल्टा ही बिनेंगे। जब हम ये डार्क कलर लगाएंगे तब हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिनेंगे और जो लाइट कलर लगाएंगे उसको हम उल्टा सीधा
उल्टा और चौथी सिलाई सीधा बिनते हुए पूरा करेंगे। ये सीधा, फिर से पहला फंदा उतार के अब ये चौथी सिलाई है तो लास्ट फंदा हम ऐसे बिना बुने उतार लेंगे ऊन पीछे करके और फिर से इस कलर से हम बिनना स्टार्ट करेंगे ऐसे। ये कलर जब हम लगाएंगे तो लास्ट वाला फंदा हम उल्टा ही बिन लेंगे इस तरीके से। अब देखिए ये दोनों कलर लगाते हुए इन्हीं दोनों लाइन को रिपीट करते हुए ये मैंने बनाया है लाइट कलर का। देखिए एक दो तीन चार पांच छह और ये सात लाइन, तो ये टोटल यहां से यहां तक ये सात है। एक मेरा बन चुका है, छह मैं और बनाऊंगी और एक दो तीन चार पांच और छह ये डार्क कलर है। तो ये इस तरीके से इतना कंप्लीट करने के बाद फिर इस साइड हम ये टोटल 26 लाइन बनाएंगे। तो इतना कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छह और ये सात, सातवां लाइन यहाँ पे। अब मुझे उल्टी सीधी सिलाई बनानी है तो ये पहला फंदा उतार के सारे फंदों को सीधा सीधा बिन लेंगे। और ये लास्ट वाला फंदा जो हम बिना बुने उतार लेते हैं इसको हम अब ये डार्क कलर से ऐसे बिन लेंगे। और अब यहाँ पे ये लाइट कलर हम कट कर देंगे क्योंकि अब यहाँ पे ये लाइनिंग हमारी खत्म हो गई है, तो इसको हम ऐसे कट कर देंगे। और यहाँ इसको इस तरह से नॉट लगा दीजिए और अब दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिनते हुए जैसे नीचे हमने 26 रो बनाए हैं 26 लाइन, उसी तरीके से यहाँ पे भी अब ये पहला फंदा हम उतार लेंगे क्योंकि रॉन्ग साइड से मैंने इसको बिन लिया था। तो ये देखिए इसको ऐसे फंसा लेंगे। तो उल्टी तरफ भी आपका ऊन कोई फंसा उलझा नहीं दिखेगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पे भी मैंने फंसा लिया था, यहाँ पे भी ये इस तरीके से। तो अब इसको भी दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिनते हुए बाकी की दूसरे साइड की लंबाई जो 26 लाइन हम बनाएंगे 26 रो वो हम बना लेंगे। ये देखिए और अब इधर से भी लास्ट वाला फंदा हम सीधा बिनेंगे इधर से ऐसे सीधा और अब ये ऐसे। अब दोनों तरफ से इस तरह से उल्टा बिनते हुए 26 लाइन फिर से हम बना लेंगे। ये देखिए जिस तरह से ये हमने बनाया था यहाँ पे भी देखिए इधर हाफ में ये डार्क कलर है और इधर डार्क कलर है। तो यही टोटल 26 रो 26 लाइन फिर से पूरा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ इसकी लंबाई पूरी हो गई है। आपको अगर अंदाजा नहीं मिलता है तो आप अपने पैर पे ऐसे ये रख के देखिए इसका सेंटर आप ले लीजिए ऐसे ये यहाँ ऐसे रख के बीच से और दोनों तरफ से इस तरह से आप अगर नाप लें देखिए ये ऐसे थोड़ा छोटा ही मैंने बनाया है क्योंकि फिर ये स्ट्रेच होता है।
तो इसको ऐसे फिर खींच के जब हम रखेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। और अगर आप इसको पूरा लंबा बनाएंगी, अपने पैर के पूरे बराबर बनाएंगी, तो फिर ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये हाथ से बिना हुआ है तो ये अच्छे से पूरा फैलता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, अब मैं जब ये वाली लाइन बनाऊंगी उल्टी लाइन, सॉरी सीधी तरफ से, ये हमारा सीधा साइड है, तो 26 सिलाई कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां मैं अब इसको बंद कर दूंगी इस तरह से, सीधी साइड से ये उल्टा बिनते हुए मैं इसको बंद कर दूंगी। आपको दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 21, 25 ये लाइन में बनाती तो 26वीं लाइन कंप्लीट हो जाती। तो अब इस तरह से दो दो फंदे लेते हुए हम इसको बंद कर देंगे। इस तरह से देखिए, इसको बहुत टाइट नहीं रखना है, क्योंकि अभी इसको हमें सिलना है जो हमारे एड़ी के ऊपर आएगा, तो ये चीज हम इसको टाइट नहीं उतारेंगे, ऐसे हल्का सा लूज लूज ही, बहुत लूज भी नहीं क्योंकि फिर ढीला हो जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मल जैसे हम बिनाई करते हैं इसको बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, और अब इसके बीच में से हम गोला निकाल लेंगे, और यहाँ पे ये हमारा पूरा हो गया है, पूरा पैर का पोर्शन। तो अब इसको मैं थोड़ा सा लंबा ही कट करूंगी, क्योंकि इसी से फिर मैं सिलाई कर दूंगी, तो मैं इसको थोड़ा सा लंबा सा इस तरह से कट कर दूंगी। तो अब देखिए ये हमारा तैयार हो गया पैर का पोर्शन। अब इसकी हम सिलाई करेंगे, इसकी सिलाई पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो चलिए इसको पहले हम सिल लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई करेंगे ये इस पोर्शन के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये एक जगह इकट्ठा हो गया है जिससे हमारी जूती का शेप आया है। तो इसके लिए देखिए मैंने ये येलो कलर का ऊन लिया है, और इसमें ये जो हमने सीधी सीधी बिनाई की है इस तरह से, आप इसमें से जैसे हम कहीं भी कच्चा करते हैं या स्वेटर सिलते हैं या कोई भी चीज सिलते हैं, उस तरह से एक तरह से जैसे हमने कच्चा करना है, इस तरह से इसको पिरोते हुए देखिए ऐसे, जितना हमने ये वाला पोर्शन बिना है उसमें से इस ऊन को हम ऐसे निकालते जाएंगे। ये देखिए जितना किनारे से हो सके किनारे से करिएगा। ये देखिए इस तरह से करके, ये देखिए अब हम ये जो सिरा है इसको पकड़ के ऐसे खींच लीजिए, अच्छे से इसको खींच दीजिए, और यहां पे नॉट लगा देंगे इसके साथ। ये देखिए करके इसको अच्छे से ये हम टाइट कर देंगे, खूब टाइट करके इसको बांध के डबल नॉट कर दीजिए। तो ये देखिए ये पोर्शन जो हमारा है इस तरह से ये आ गया यहाँ पे, और इसी इसको छिपाने के लिए हमने यहाँ पे ये छोटा सा क्रोशिये से फूल बना लिया है। तो ये देखिए, अगर आपके पास बटन हो आप बटन लगाइए, और अगर बो बना सकती है बो बनाइए, पॉम्पोम बॉल बना के लगाइए, मैंने ये छोटा सा फ्लावर बनाया है। तो अब इसको हम कट कर लेंगे। तो यहां पे देखिए इसको ये वाला ऊन मैं इन दोनों को इस तरह से कट कर देती हूँ, जो एक्स्ट्रा ऊन है वो बाद में जब हम इसमें ये फूल लगाएंगे तो अच्छे से हो जाएगा। अब नीचे की तरफ का इसको ऐसे हाफ हाफ कर लीजिए, ये इतना जो हमारा पोर्शन है ये, तो इसी येलो वाले से मैं यहाँ पे भी ये सिलाई कर लूंगी, और डार्क वाले को मैं डार्क से सिल दूंगी, जिससे कि ये जो सिलाई है यहाँ पे देखिए ऑड ना लगे, अगर ग्रीन पे येलो आ जाएगा येलो पे ग्रीन आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो येलो ऊन मेरा अभी बचा है सुई में, उसको मैं इस तरीके से करते हुए ये ग्रीन वाला छोड़ दूंगी, और इसको इस तरह से सिलाई कर लूंगी।
टाइट नहीं करना है बहुत, क्योंकि अभी बीच में ग्रीन का सिला हुआ नहीं है, तो इसको अगर हम बहुत खींचेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे सिकन आ जाएगा। तो यहां से देखिए ऐसे लीजिए, इसको लूज छोड़ दीजिए और फिर ये जो हमने फंदे पहले वाले उतार रखे हैं वहां पे इसको इस तरह से फंसाते जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पे ये येलो हमारा देखिए पूरा हो जाएगा। एक बार और इसको करके और ऐसे नॉट लगा देंगे और थोड़ा सा इसको दूर से कट कर देंगे। और अब जो हमारा बाकी बचा हुआ पोर्शन है, ये ग्रीन ऊन जो हमने लंबा सा कट किया है, इससे सिलाई करेंगे। तो सिलना बहुत आसान है, जिस तरह से भी आपको इजी लगे आप सिल सकती हैं। अब देखिए इन दोनों को सबसे पहले हम यहां से यहां तक की सिलाई करेंगे। ये ऊन हमारा है तो यहां से ऐसे एक दो बार पहले आप फंसा लीजिए। इस तरह से फंसाने के बाद ये देखिए एक बार नॉट लगा दीजिए ताकि ये वाला धागा फिर खुलने न पाए। इसको ऐसे कर देंगे और इसको थोड़ा सा इसको भी इतना दूर से ऐसे कट करके हटा देंगे। और ये देखिए यहां से यहां तक इसकी सिलाई, बस जो हमारा पहला वाला ये चीज है इसको पकड़ते हुए। और ये सिलाई देखिए हम रॉन्ग साइड से कर रहे हैं, इस तरह दोनों तरफ के सिरे को पकड़ते हुए सिल देंगे और ये ऊन हमारा ऐसे इसके बीच में फंसता चला जाएगा। तो सबसे पहले यहां से यहां तक की सिलाई, ये देखिए बहुत ही इजी है। जैसे भी आपको सिलने आता हो आप सिल सकती हैं, इसका कोई प्रॉपर टेक्निक नहीं होता है, जिस तरह से आपको इजी लगे आप इसको सिल दीजिए। ये देखिए यहां से यहां तक हो गया, मैंने कोई बहुत छोटा छोटा नहीं इसको सिला है, दूर दूर बहुत दूर भी नहीं, बस ये अच्छे से देखिए ये फंस जाए। ये देखिए इस तरीके से ये आया है। और अब यहां से लेके यहां तक पूरी सिलाई करने के बाद इस ग्रीन वाले को, जैसे हम मैंने येलो को येलो से सिला है, ग्रीन को ग्रीन से सिल के इसको हम पूरा सिल डालेंगे। तो इधर की भी जो सिलाई होगी देखिए इस तरह से, जो ये पहला फंदा हमने उतार रखा है ऐसे और ऐसे, इसको भी बस इसी तरह से फंसाते हुए हम पूरी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इतनी लंबाई मैंने कर ली है। और अब ये जो ग्रीन वाला है बस इसको भी इसी तरह से देखिए, कहीं अलग से आपको धागा नहीं ले जाना है, बस इसको ऐसे ही करते हुए क्रॉस सिलाई कर देनी है, जो ग्रीन वाला जितना है ऐसे, तो ये भी सिल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से पूरा मेरा हो गया, इसको इस तरह से फंसा लेंगे। और जितना भी ऊन मेरा थोड़ा ही बचा है तो मैं इसको बस इसके बीच में से इस तरह से सुई निकाल के ये देखिए इसको फिक्स कर दूंगी। एक बार और निकाल लेते हैं और मैं इसको इसी में फंसा दूंगी, कट नहीं कर रही हूं क्योंकि बहुत लंबा ऊन नहीं है, तो इस तरह से फंसा देंगे ऐसे देखिए। तो ये हो गया, एक्स्ट्रा है वो आप कट कर सकती हैं। तो यहां पे देखिए ये सिल गया है इस तरह से, ये तो ये हमारा जूती इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों कलर से अलग अलग सिलने की वजह से यहाँ पे ऑड नहीं लगता है, थोड़ा सा ऊन यहाँ बचा ही रहता है, इसी से हम सिलाई कर देते हैं। तो ये बन गया दूसरा पैर तैयार, दोनों पैर एक जैसा बनेगा इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेफ्ट राइट का। तो ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। और अब इसका ये जो फूल है ये हम क्रोशिया से बनाएंगे, बहुत ही इजी है। ये देखिए ये येलो ऊन मैंने ले लिया है जो मैंने इसमें लगाया है, ये मेरी क्रोशिया हुक है 10 नंबर की 10G पोनी की है, ये देखिए इस तरीके से। तो इससे मैं इसको बनाऊंगी, तो इसको बनाना बहुत ही इजी है। देखिए सिंपल सा, एक आप ऐसे ऐसे ये राउंड ले लीजिए, ये ऐसे ये बस, और इसी में फंसाते हुए हमको ये देखिए इसको ऐसे पकड़ लीजिए, एक बार हम फंसा लेंगे इस तरीके से ऐसे, ये बस हो गया। इसको बस हम संभाल के पकड़ेंगे ताकि ये खुले ना। और इसी सर्कल में हमको ये एक हो गया,
ये देखिए इस तरह से उसको आप छोड़ दीजिए। यहां से आप देखिए एक, बिना मैं कोई धागा लिए बना रही हूं, देखिए दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ और ये दस। दस ये मैंने लिया। अब इसको हम खींच लेंगे, इस धागे को आप खींच लीजिए अच्छे से। ये देखिए तो ये हमारा सर्कल ऐसे बन जाएगा। इसको हम बहुत ही टाइट से खींच लीजिए और यहाँ का जो पहला ये है इसमें हम इस तरह से इसको जोड़ देंगे। ये देखिए तो ये हमारा सर्कल यहाँ का ये बन गया। इसको मैं और टाइट कर लूंगी जिससे कि ये खुले ना। अब इस ऊन को अभी मैं कट नहीं कर रही हूं नीचे वाला। और इसमें देखिए यहां पे एक चेन लेंगे। अब ये जो हमारा फर्स्ट है ये देखिए पहला वाला जो ये है चेन, यहां पे इन दोनों में से ऐसे निकालते हुए ये देखिए। अब इसमें हम एक, दो, तीन, चार, ये देखिए चार हमने डबल क्रोशिया बनाया। आप चाहें आपको और चाहिए तो आप पांच भी बना सकती हैं। ये देखिए इस तरह से। और अब बिना कोई धागा लिए नेक्स्ट वाला जो ये हमारा ये आ रहा है इसमें हम ऐसे इसको फिक्स कर देंगे। फिर अब यहां कोई चेन मैं नहीं ले रही हूं, नेक्स्ट वाले में इस तरह से फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार। फिर से अगले वाले में ये देखिए इसको फंसा देंगे ऐसे। फिर से ये देखिए नेक्स्ट में एक, दो, तीन और ये चार। फिर अगले में इसको फंसा देंगे इस तरह से। फिर इसके अगले में हम करेंगे इसमें फिर से फंसा देंगे ये देखिए इस तरह से। और फिर इसके नेक्स्ट में हम दो, तीन और ये चार। और यहां पे जहां हमने इसको शुरू किया है इस तरह से फंसा के धागा कट कर देंगे। ये देखिए ये हो गया। ये और अब ये वाला जो है इसी से इसको हम ये जो ऊन है यहां से फंसाते हुए यहां पीछे कर लेंगे बिल्कुल ऐसे। खींच लीजिए इसको और ये जो है इन दोनों को अच्छे से खींच के नॉट, ये देखिए यहाँ पे नॉट लगा देंगे ताकि ये खुले भी नहीं और हमारा ये जो फ्लावर बना है वो अच्छे से फिक्स रहे। तो अब ये देखिए अब ये वाला जो है इसको तो मैं कट कर दूंगी और इस वाले से यहाँ पे बिल्कुल ये देखिए ये जो हमारा ये फूल बना है इसको यहाँ सेंटर में रखिए ऐसे और पीछे की तरफ सुई से बिल्कुल ऊपर की तरफ देखिए ऐसे थोड़ा सा ये यहाँ पे ये कवर कर ले इस तरह से। और यहां से इसको मैं सुई निकाल के
बिल्कुल चारों तरफ से सिल दूंगी। ये देखिए, कहीं से भी पकड़ के आप इसको बीच में पीछे की तरफ फंसा दीजिए। ज्यादा नहीं सिलना है, थोड़ा सा कर देंगे फंस जाएगा ये। इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूर पे सुई निकाल के ऊन थोड़ा बड़ा ही रखिएगा, जिससे कि ये आराम से सिला जा सके। तो ये जो भी सारा है इसको हम ऐसे फंसा लेंगे। यहां देखिए इस तरह से एक बार और ये हो जाएगा। बस देखिए, पीछे की तरफ करके नॉट लगा दीजिए। इस तरह से खींच लेंगे और इसको हम इस तरह फंसा देंगे। जो भी एक्स्ट्रा ऊन अगर ऊपर से दिख रहा है कहीं भी आपको, तो आप ये क्रोशिया से इसको अंदर की तरफ कर दीजिए, तो ये हमारा फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये तैयार हो गया। बहुत ही इजी है बनाने में, दोनों पैर एक जैसा ही बनेगा, बस अंतर है थोड़ा थोड़ा, और बस ये फूल है और कोई इसमें अंतर नहीं है, दोनों एक बराबर एक जैसा। कलर आप अपने मनपसंद लगा सकती हैं कोई भी। तो फ्रेंड्स देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये जूती आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये जूती पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग, तब तक के लिए बाय।